हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नाम है कंपनी का, भारतीय कंपनी अधिनियम। तो चूंकि भारतीय कंपनी अधिनियम का लेक्चर काफ़ी पहले से पढ़ा हुआ है लेकिन काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो मैंने सोचा कुछ लेटेस्ट कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपको बताया जाए, और इसी को देखते हुए काफ़ी बड़ा बड़ा लेक्चर आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और इस कंपनी एक्ट में हम क्या जानेंगे कि स्टार्टिंग हमारी कंपनी कहाँ से हुई, किस कंट्री से हुई, कैसे हुई, उसके बाद से भारत में कंपनी अधिनियम कब बना, बीच बीच में कंपनी अधिनियम कब कब चेंजेज हुए, क्या अमेंडमेंट वगैरह हुआ, संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद से कंपनी अधिनियम 1956 बना, 56 के बाद भी बहुत सारे संशोधन, और संशोधन होने के बाद से लास्ट में 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 बना। यहाँ तक चलने के बाद से तब हम स्टार्ट करेंगे कि कंपनी क्या है, इसके करैक्टर या विशेषता क्या होती है, फिर उसके बाद से उसकी राइट्स, ड्यूटी जो भी है वो सारा चलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, जो भी चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल के लिए ऑन कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मैंने बेसिक सारी चीजें बोर्ड पर मैंने लिख दिया, ताकि आपका समय भी बच सके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनी लॉ, ये क्या है? एक कंपनी से संबंधित एक कानून है कि चूंकि हमारा जो बिजनेस है, व्यवसाय है, इसका आकार जैसे जैसे बढ़ता गया, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती गई, और यहाँ तक कि उसमें जो भी लोग होते हैं, इनको हित, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा, देश के द्वारा एक कानून बनाया गया, ताकि किसी को भी किसी तरीके से नुकसान ना हो सके, और एक कानून के दायरे में सभी लोग रहकर कार्य करें, इसको ध्यान में रखते कंपनी अधिनियम बनाया गया। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में स्टार्टिंग कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ कहाँ से शुरू हुई, कंपनी कहाँ से स्टार्ट, तो आपसे बता दें कि इसमें मैं पहले ही लेक्चर में लिख दिया हूँ कि भारतीय कंपनी विधान का संक्षिप्त परिचय, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंपनी लेजिस्लेशन। ठीक ना, तो स्टार्टिंग हमारा जो कंपनी का है वो इंग्लैंड की देन है, क्योंकि एक समय था जब इंग्लैंड का पूरे विश्व पर प्रभुत्व था। अब प्रभुत्व था तो भाई अधिकांश तो चांसेस सही है कि जो भी स्टार्टिंग करेगा वही करेगा, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है। तो स्टार्ट और कंपनी का जो मेन मोटो था स्टार्टिंग में, इंग्लैंड जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, वहां से स्टार्ट हुआ, उसी ने कंपनी की नींव डाली। तो कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। और जब कंपनी इंग्लैंड से स्टार्ट हुई तो इंग्लैंड में सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में एक 1844 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बनाया गया। संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1844, ये कंपनी से संबंधित उसमें प्रावधान, उसके रूल्स वगैरह उसमें सारे लिखे गए थे कि कंपनी कैसे चलाई। तो हमें ये पता चल गया कि कंपनी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इंग्लैंड से हुई, कब हुई, 1844 में, जिसके लिए संयुक्त पूंजी कंपनी अर्थात ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण किया। लेकिन हमको इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं, हमको तो अपना इंडियन कंपनी एक्ट पढ़ना। तो प्रश्न ये उठता है कि इंडिया में, भारत में, अपने देश में कंपनी कब शुरुआत हुई और इस पर कानून कब बनाया गया। यहां लिखे हैं भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम पहला जो बना था, संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1850। आपसे बता दें कि जो ये कंपनी बनाई गई थी उस समय ब्रिटिश का शासन था अपने यहाँ, ब्रिटिश आ चुके थे, काफी क्षेत्रों में भी फैल चुके थे, और उनका स्टार्टिंग क्या मोटो क्या था, बिजनेस करना, क्योंकि वो व्यापार के उद्देश्य आए थे, भले बाद में जो भी उन्होंने किया लेकिन स्टार्टिंग उनका बिजनेस था, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे भी कंपनी का निर्माण रखा। वैसे तो भारत में कंपनी सबसे पहले शुरू हुई थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन एक व्यवस्थित कंपनी और उस पर कानून,
जो बना भारत में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1850। इस 1850 में कंपनी के पृथक अस्तित्व की मान्यता दी गई, मतलब कि कंपनी क्या है, एक पृथक अस्तित्व है, इसका एक अपना अस्तित्व है, एक अपना अलग अस्तित्व है। जिस तरह एक व्यक्ति होता है उसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, उसी तरह कंपनी का भी एक अलग अस्तित्व है, अलग नाम से जाना पहचाना जाएगा। तो इस अधिनियम में केवल कंपनी के पृथक अस्तित्व की मान्यता दी गई। लेकिन उस समय स्टार्टिंग में जब हमारे कंपनी अधिनियम बन रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी एक्ट चेंज हुआ, पुराने एक्टों को चेंज करके नया एक्ट बनाया जा रहा था, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं लोगों का था। इसके बाद से सेकंड हमारा अधिनियम बना भारतीय कंपनी अधिनियम 1857। सिर्फ 7 साल बाद 1857 वही समय है जहां पर देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था मेरठ से, वही स्वतंत्र 1857 है, ठीक है। तो इस समय 1857 में पहली बार, ठीक है, क्या किया गया, सीमित दायित्व वाली कंपनी को मान्यता दी गई। इस कानून में क्या किया गया, सीमित दायित्व वाली, मतलब कि इसमें जो भी सदस्य रहेंगे उनका दायित्व क्या होगा, सीमित होगा, एक दायरे में होगा। ये नहीं कि जो चाहे वो एकाकी और साझेदारी व्यापार की तरह सोच समझ सकते हैं, उनका दायरा उनके अंशों की सीमा तक बांध दिया गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैंक और बीमा कंपनियों को इससे अलग रखा गया, बैंक और बीमा कंपनियों को इससे बिल्कुल अलग रखा, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे कंपनी अधिनियम शुरू होता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1860, महज 3 वर्षों के बाद फिर से एक अधिनियम बना गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बैंक और बीमा कंपनियों को ही सीमित दायित्व की मान्यता प्राप्त हो गई, क्योंकि इसके पहले वाला जो अधिनियम में बैंक बीमा कंपनियों को नहीं मिला था मान्यता, ठीक, लेकिन बैंक बीमा कंपनियों को भी सीमित दायित्व की मान्यता प्रदान कर दी। जस्ट इसके कुछ ही समय बाद 6 वर्ष बाद अगला भारतीय कंपनी अधिनियम बनाया गया 1866। इस 1866 में क्या किया गया, 1866 में पहला व्यापक कंपनी अधिनियम पारित किया गया, मतलब अब तक का सबसे बड़ा कंपनी एक्ट पारित किया गया, सब कंपनी का लाभ कानून पारित किया गया। नेक्स्ट इसका अगला है हमारा, ये अगला कंपनी अधिनियम 1882 बना, ये थोड़ा डिस्टेंस मैंने कुछ काफी दूरी पर, क्योंकि 66 है अर्थात लगभग 16 साल बाद, क्योंकि इधर तो 2-4-5 साल के अंदर नया कानून बन जा रहा था। इस अधिनियम में 1866 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया और नया अधिनियम बना लिया गया। फिर इसके बाद से सीधे 1882 के बाद से अगला भारतीय कंपनी अधिनियम बना 1913। इस 1913 की क्या विशेषता थी, विभिन्न धाराओं में ऐड किया गया, जिसमें 288 धाराएं और 4 अनुसूचियां थी। और इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहली बार निजी कंपनी को मान्यता दी गई। यह माना गया कि हम निजी भी कंपनी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति कंपनी इसको स्टार्ट कर सकता है, एक आम व्यक्ति भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो पहली बार यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार निजी कंपनी को यहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत, 1913 के अधिनियम के अंतर्गत निजी कंपनी को मान्यता दी, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ही अपना कंपनी बनाती थी, उन्हीं के अंडर उन्हीं की देखरेख में होता था। इसके बाद फिर और जैसे जैसे कंपनी एक्ट बनता गया उसमें कुछ डिस्टेंस आते गए, मतलब समय ज्यादा होने लगा। अगला है भारतीय कंपनी अधिनियम 1936। 1913 के बाद 1936, ठीक है, 1936 में क्या हुआ, भारत में प्रचलित प्रबंध प्रणाली को नियंत्रित करने की व्यवस्था की। भारत में बहुत सारी प्रबंध मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह उस समय थे, उसको नियमित करने, व्यवस्थित करने, उसे कंट्रोल करने की व्यवस्था अपनाने के लिए इस कंपनी एक्ट को पारित किया गया। एक और विशेषता यह है कि इसमें बैंकिंग कंपनी पर विशेष फोकस किया गया, विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। और इसी आधार पर बैंकिंग कंपनी अधिनियम आगे चलकर जो हमारा आज बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 चल रहा है, वो 1936 के कंपनी एक्ट के बदौलत चल रहा, ठीक है। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, यहां लिख दे रहे हैं स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी एक्ट कब पारित हुआ, बना 1956 में बना, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी
ये किस पर्पज से शुरू किया पहले ये समझिए कि जब देश आजाद हुआ तो हमारी आर्थिक व्यवस्था काफी खराब हो चुकी थी। उस आर्थिक व्यवस्था को तेजी लाने के लिए, देखिए लिखे हैं कि आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए उस समय सीएच भाभा थे और सीएच भाभा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के थ्रू ही इस भारतीय कंपनी अधिनियम को पास किया गया। यह भारतीय कंपनी अधिनियम पूरे देश में 1 अप्रैल 1956 से लागू कर दिया गया। अब पूरे देश के मतलब है जम्मू कश्मीर और छोटे मोटे एक दो जगह और भी नहीं लागू हुआ, चूंकि वो बाद में लागू हो गया लेकिन स्टार्टिंग में लागू नहीं हुआ। तो 1 अप्रैल 1956 से भारत में लागू कर दिया गया। यह जो कंपनी अधिनियम 1956 बना, यह भारत का सबसे बड़ा एक तरह से कानून बना, ठीक है, कानून मतलब विधान। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में 658 धाराएं और 14 अनुसूचियां थी। अब प्रश्न ये है क्योंकि ये 1956 का जो अधिनियम है बहुत वर्षों तक चला, अभी कुछ वर्ष पहले ही कंपनी अधिनियम 2013 भी बना, तब अभी 13 की चर्चा बाद में करेंगे, पहले 1956 के बारे में। इस कंपनी अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या था, किस पर्पस से कंपनी अधिनियम 1956 बनाया गया और काफी समय तक रिटी की रही, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो उस समय जब 1956 में तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे सीडी देशमुख जी, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि इस कंपनी अधिनियम 1956 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। वो विशेषता हमारी क्या है, सबसे फर्स्ट विशेषता है कि अंशधारियों के हितों की रक्षा करते हुए, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा करते हुए प्रबंध व स्वामित्व के टकराव को रोकना, अर्थात मैनेजमेंट, ठीक है, और जो शेयर होल्डर का जो बीच का जो टकराव है उसको रोकने के लिए इस कंपनी अधिनियम 1956 को बनाया गया। दूसरा हमारा कारण है कि ऋण पत्रधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि कंपनी में केवल शेयर होल्डर्स ही नहीं होते हैं, वहां डिवेंचर होल्डर्स भी होते हैं, जो हमारे डिवेंचर होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता भी माने जाते हैं, उनके भी हित की रक्षा करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 पारित किया गया। एक और अगली विशेषता ये भी थी कि केंद्र सरकार के अधिकारियों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स थे, को विस्तृत करना ताकि उपभोक्ता श्रमिक समाज के हितों की रक्षा कर सके। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे उनको उनका क्षेत्र आकार प्रकार अधिकार सब कुछ बढ़ाना, इस उद्देश्य से बढ़ाना कि हमारे जो देश में उपभोक्ता है, श्रमिक है या समाज है, उसके हितों की रक्षा ठीक ढंग से हो सके। और चौथी विशेषता है सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीति को सफल बनाने के लिए, गवर्नमेंट के जो सोशल और इकोनॉमिक क्या है पॉलिसी है उसको सफल बनाने के लिए भी कंपनी अधिनियम 1956 पास किया गया। और लास्ट कह रहा है कि कंपनी का कार्य जनहित के विरुद्ध हो तो उसकी जांच करने के लिए, इस वजह से भी कंपनी अधिनियम बनाया गया कि जो भी लोग कंपनी बनाकर चला रहे हैं यदि वो कंपनी जनहित के विरुद्ध हमारे देश के हमारी जनता प्रजा के विरुद्ध यदि है तो उसके उसको रोकने के लिए उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये कानून बनाया गया। तो यही था कंपनी अधिनियम 1956 की विशेषता या उसके उद्देश्य, उसके क्या रीजन थे जिसके वजह से कंपनी 1956 बनाया गया, ठीक है। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सीधे हम चलते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में जो एक्ट चल रहा है हमारा कंपनी का वो है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। जिनको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं। एक चीज और भी बता दे रहा हूं, जो हमारा कंपनी अधिनियम ये 1956 बना, 1956 के बाद क्योंकि कंपनी एक्ट 2000 हमारा 13 जो हमारा पास हुआ है, यहां से लेकर यहां तक बहुत संशोधन, जैसे कि सबसे पहले 1960 में पहला संशोधन हुआ, जब कंपनी अधिनियम 1956 बना तो 1960 में सबसे ज्यादा 62 में 63 में 64 में ऐसे कंटिन्यू संशोधन होते गए और कहां तक हुए कि आपके 2006 तक संशोधन हुआ। उसके बाद से एक नया कंपनी एक्ट पारित करने का विचार किया गया और लास्ट में वो पारित हो ही गया और पूरे देश में लागू कर दिया गया, कब से, 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है, और जिसका नाम रखा गया है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। इसको नोट करने के बाद से मैं अभी मिटा दे रहा हूं ताकि अब आगे आपको बताएं कि कंपनी अधिनियम 2013 क्या है, ठीक है।
मिटा। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, इसे पूरा नाम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, ठीक। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जो देश की इकोनॉमी थी वो काफी तेजी से आगे की ओर ग्रोथ कर रही थी, और इसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े माने जो भी हैं कंपनियां हैं बिजनेस है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें तालमेल बैठाने के लिए, यहां तक कि छोटे अंशधारियों को भी उसमें भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से क्या बनाया गया? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। यह भारतीय कंपनी अधिनियम जब भारत 64वें गणराज्य, ठीक है, भारत के गणराज्य के 64वें वर्ष में यह इसे पारित किया गया। अब कब पारित किया गया? पूरे देश में इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2014 में। पहले कंपनी एक्ट 2013 है तो क्या लेके इसे 2014 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। जब जिस समय यह लागू किया गया उस समय इसमें 29 अध्याय, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां थी। उस समय क्या था? इसमें 29 अध्याय थे और 470 धाराएं, और कितनी अनुसूचियां थी इसमें? 7 अनुसूचियां थी, 7 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की आखिर विशेषता क्या है? किस वजह से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 पारित किया गया? इसके मेन करेक्टर्स क्या हैं? तो हम लिख दे रहे हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता है, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स इसके क्या है कंपनी अधिनियम 2013, समझिएगा। सबसे पहले है एक व्यक्ति कंपनी। पहली विशेषता है कि एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। इसका मतलब होता है कि जब हमारा कंपनी अधिनियम 1956 पारित किया गया था और जब तक चला उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक आदमी भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। उस समय निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां एकदम अपने दौर में थी, चरम पे थी। लेकिन जब कंपनी अधिनियम 2013 बना तो इन कंपनियों के अतिरिक्त, इन कंपनियों का मतलब निजी कंपनी में ही एक व्यक्ति कंपनी आएगा, इन कंपनियों के अतिरिक्त एक और विकल्प रखा गया, एक व्यक्ति वाली कंपनी। एक व्यक्ति वाली कंपनी का मतलब है कि कोई भी एक आदमी, इंडिविजुअल पर्सन भी चाहे तो कंपनी का निर्माण कर सकता है। क्योंकि पहले क्या था कि वो पहले दो ही टाइप की कंपनियां थी, वैसे तो डिवाइडेशन तो बहुत प्रकार की है जिसका आगे वर्णन करेंगे हम पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे मेन फोकस दो ही टाइप की कंपनियों पे था, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी में था कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में है कि कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति कंपनी वाले का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्सन भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है और कंपनी चला सकता है, लेकिन उसको अपने पार्षद सीमा नियम में एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम का उल्लेख करना पड़ता है कि यदि उस व्यक्ति की इन फ्यूचर में मृत्यु हो जाती है या किसी भी तरह की संविदा करने में असमर्थ होता है, भंग हो जाता है, तो ऐसी दशा में उसका उत्तराधिकारी, उसकी लाइबिलिटी उस व्यक्ति पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को नामित करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कंपनी का मेन चलाने वाला वही व्यक्ति रहेगा, वो इन केस जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब उसका वो लायबिलिटी उसका रहेगा।
नेक्स्ट है अभिधान और निदेशकों द्वारा शपथ पत्र। अभिधान व निदेशकों द्वारा, निदेशकों द्वारा शपथ पत्र, मतलब कि जो भी इसमें निदेशक होंगे, क्यों मैंने ऐसे व्यक्ति को निदेशक बनाया जा सकता है जो अंतर नियम द्वारा नामित हो, वो न्यूनतम अभिधान की राशि दें और उनके द्वारा एक शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा की जाए। ठीक है, अगला है अनुच्छेदों का परिवर्तन। अनुच्छेदों का परिवर्तन क्या मतलब क्या है कि जो हमारे इसमें देखे होंगे 29 अध्याय 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए अनुच्छेदों का परिवर्तन का मतलब है कि जब भी फ्यूचर में ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि जो हमारे ये अनुच्छेद है या अनुसूचियां हैं या धाराएं हैं, इसमें हमें कुछ परिवर्तन करने की, समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन होता है, आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में वो विशेष प्रस्ताव पास करके वो अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक ना, जैसे कि एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कन्वर्ट करना, एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में कन्वर्ट करना, तो इस पर कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। अगला है पार्षद सीमा नियम अंतर नियम की 10 की प्रतियां सदस्यों को दिया जाना। अगला है पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम की प्रतियां सदस्यों को दिया जाना, सदस्यों को दिया जाना। इसका मतलब होता है कि हम कंपनी के जानते हैं दो मुख्य प्रलेख होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। यह पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम है, हमारे जो भी शेयर होल्डर हैं कंपनी के सदस्य, इनकी एक छाया प्रति फोटोकॉपी इनको दिया जाना कंपल्सरी रखा है, और वो भी उनके अनुरोध के 7 दिनों के अंदर। ठीक है, अगला है सहायक कंपनी का अपने सूत्रधारी कंपनी में अंश धारण न करना। सहायक कंपनी का अपने सूत्रधारी कंपनी में, अपने सूत्रधारी कंपनी में अंश धारण न करना, अंशधारण न करना, मतलब कोई भी एक सहायक कंपनी अपने सूत्रधारी कंपनी के शेयरों को नहीं ले सकती, वो अंश नहीं खरीद सकती, ऐसा प्रावधान इसमें बनाया गया। सेबी की शक्ति, अगला है सेबी की शक्ति का मतलब है कि सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को विशेष पावर दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया कि वह अपने यहाँ कम से कम जिनका नाम रजिस्टर दर्ज कर रही है सूचीबद्ध कंपनियों में ही दर्ज करें और अंशों के हस्तांतरण या मतलब अंशों का जो भी क्रय विक्रय या उसका लाभांश है वो उसके भुगतान के संबंध में कुछ नियम बनाकर ही ऐसा करें, इसलिए सेबी को विशेष पावर या विशेष अधिकार दिया गया। अगला है प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्वहन का अभौतिक रूप में होना, प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन का अभौतिक रूप में होना, अभौतिक रूप में होना, मतलब जो भी प्रतिभूतियां हैं उसका जब सार्वजनिक रूप में निर्गमन किया जाता है तो भौतिक रूप में नहीं होनी चाहिए, वो अभौतिक रूप में होनी चाहिए। अगला है प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र का जारी किया जाना, प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र का जारी किया जाना, मतलब कि जो भी हमारी प्रतिभूतियां हैं इन प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए
सबसे पहले ये जरूरी है कि एक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाए। जो भी आवेदन पत्र आ रहे हैं उन्हीं में से उनको छांटकर या जैसे भी मतलब नियम बनाया उन्हें प्रतिभूतियों को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। अगला है कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का आवंटन। कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का आवंटन, प्रतिभूतियों का आवंटन, इसका मतलब है कि जो भी प्रतिभूतियों के लिए हम आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं तो उसे आवंटित भी करना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे आवेदन आ गए तो सबको तो देंगे नहीं, कुछ ही व्यक्तियों को देंगे, तो किसको देना है वो कंपनी के रूल या उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, या उसके अंतर नियम में ऐसा कुछ डिटेल दिया हो। अगला कह रहा है कटौती पर अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध। कटौती पर अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध, निर्गमन पर प्रतिबंध। अब यहां पे क्या प्रश्न है, कंपनी अधिनियम जब 1956 था तो अंशों का जो निर्गमन तीन मूल्यों पर किया जाता था, सममूल्य, अधिमूल्य और अवमूल्य, मतलब बराबर मूल्य पर, अधिक मूल्य पर मैंने प्रीमियम और कम मूल्य मैंने कटौती। लेकिन कंपनी अधिनियम जब 2013 बना तो वहां पर तीन निर्गमन में से एक निर्गमन कटौती पर निर्गमन को हटा दिया गया, इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। अगला क्या है, केंद्र सरकार द्वारा लेखा मानकों की अधिसूचित करना। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लेखा मानकों, लेखा मानकों अधिसूचित करना, अधिसूचित करना, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा दिया गया है, तो हम भी जो भी अकाउंटिंग का मेथड रखेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा रखेंगे जो सेंट्रल द्वारा अधिसूचित या मान्यता प्राप्त है। अगला है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। निगमित, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि हमारे जो कंपनियां हैं इसकी अपने वर्क के अतिरिक्त भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हर एक कंपनी को उसको अपने टर्नओवर के आधार पर, ठीक ना, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का गठन करना पड़ता है। टर्नओवर के आधार पर मतलब उसके बिजनेस के आधार पर उसको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमको इस कार्य के अतिरिक्त भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है और उसे हम पूर्ण कैसे करेंगे। अगला है अंकेक्षकों की नियुक्ति। अगला है अंकेक्षकों की नियुक्ति। अंकेक्षकों की नियुक्ति का मतलब क्या होता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा कि जब भी किसी नई कंपनी का गठन होता है तो जो ऑडिटर नियुक्त किए जाते हैं उस समय तत्काल में ऑडिटर नियुक्त कर लिए जाएंगे। कब तक के लिए, अगली वार्षिक साधारण सभा तक के लिए। उस वार्षिक साधारण सभा में मीटिंग किया जाएगा कि उन्हीं को ऑडिटर रखा जाए कि किसी और को भी रखा जा सकता है। लेकिन जब उस समय नई कंपनी में जब ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो अगली वार्षिक साधारण सभा तक वो बना ही रहेगा। लेकिन यदि नहीं, मान लीजिए अगला कोई नया नहीं रखा जाता है तो उसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल 5 सालों तक ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगला कह रहा है कंपनी का साधारण सभा में उपस्थित, अंकेक्षकों का साधारण सभा में उपस्थित होना। अंकेक्षकों का साधारण सभा में उपस्थित होना। इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि जब भी कंपनी का एनुअल मीटिंग होगा, वार्षिक साधारण सभा होगी, उसमें कंपनी के जो भी सदस्य हैं उसके अतिरिक्त अंकेक्षक को उपस्थित होना जरूरी है, ठीक है। अगला है एक निदेशक पहचान संख्या के लिए आवंटन, निदेशक पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन। इधर तो जगह है नहीं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ,
नेक्स्ट पॉइंट, निदेशक पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन। इसका मतलब है कि जो हमारे डायरेक्टर है तो डायरेक्टरों को एक पहचान आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उसको पाने के लिए उसे एप्लीकेशन देना पड़ता है, आवेदन देना होगा और कंपनी उसका अलॉटमेंट करेगी, माने आवंटित करेगी कि हाँ भाई ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के जो मीटिंग में उसको डिसाइड किया जाएगा कि भाई यही डायरेक्टर हैं, इस लेवल के डायरेक्टर हैं, यह डायरेक्टर है, उनको एक पहचान संख्या आवंटित कर दिया जाएगा। अगला इसमें है संपत्तियों का विक्रय, संपत्तियों का विक्रय। मान लीजिए फ्यूचर में कभी कोई ऐसी भी संपत्ति है जिसको बेचने की आवश्यकता पड़ रही है, तो जो भी समापन करता है उसको 60 दिन के अंदर चल और अचल संपत्तियों का विक्रय करना एकदम जरूरी होगा, कि उसको यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई आपकी नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति होने के 60 दिनों के अंदर हमारी जो भी संपत्तियां हैं, यदि ऐसा कंडीशन है तो आप इसको बेच दीजिए। अगला है कपट के लिए बंद, कपट के लिए दंड। कपट के लिए दंड का मतलब है कि यदि कंपनी में किसी के द्वारा कपट किया जाता है, या जाने में चाहे अनजाने में, उसे अनजाने में तो होता नहीं है, कपट तो जानबूझ के ही किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। इस अधिनियम में यह भी दिया गया है कि यदि कंपनी को कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे इस अधिनियम के थ्रू दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, और भी है, बहुत सारी विशेषता है, लेकिन मुख्य विशेषता आपकी यही। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे कंपनी के परिचय पर, कंपनी के विशेषता पर और उसका वर्गीकरण, ठीक है। मिटाएं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अगला आपका दूसरा लेक्चर है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कंपनी का परिचय, अर्थ, परिभाषाएं एवं वर्गीकरण। कंपनी का अर्थ, ठीक है, परिचय, विशेषता व वर्गीकरण। ठीक है, यह हमारा टॉपिक है सेकंड। आइए जानते हैं अब कंपनी के बारे में। अब तक तो कंपनी का समझिए कि हिस्ट्री था, कब कब ये लागू हुआ, कब कब कानून बना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंपनी। कंपनी वास्तव में होता क्या? कंपनी जो अंग्रेजी का शब्द है
वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस पनिश। किससे मिलकर बना है? कम प्लस पनिश। कम का मतलब होता है साथ साथ, अब पनिश का मतलब होता है रोटी। स्टार्टिंग में जब कंपनी बना था, जैसे आज ही के समय में देखिए, देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि आओ कंपनी दे दें, है कि नहीं? बहुत सारे लोग भी कहते हैं कंपनी दे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके साथ शामिल हो जा रहे हैं, आपके उस कार्य में सहभागिता कर रहे हैं, इसी को कंपनी कहा जाता है। तो जब कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी, उस समय भी यही इसका उद्देश्य था। जो कंपनी शब्द है वो लैटिन भाषा के लिया गया है। इसके दो पार्ट है, कम प्लस पनिश अर्थात रोटी साथ साथ और रोटी, मतलब कि एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर जब रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, ये क्या कहलाता है? कंपनी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते आज की जो कंपनियां बनी हैं, चल रही हैं, वो इसी को ध्यान में रखकर किया गया। उसमें क्या क्या है कि कंपनी में बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर, सहायता लेकर, उनके साथ साथ चलकर एक बड़े बिजनेस का निर्माण किया गया और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है? एक व्यक्तियों का संघ भी कहा जाता है, कि जहां बहुत सारे व्यक्तियों का संघ होता है, सब आपस में सहयोग करते हैं, उसको एक साथ लेकर चलते हैं, लाभ और सेवा दोनों उनके उद्देश्य की भावना रहती है, वो हमारी कंपनी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कंपनी विधान के अंतर्गत जो हमारा कानून बना है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी क्या है? तो इसमें दिया गया है कि संयुक्त तो जो पूंजी वाली कंपनी है, वो लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी क्या है, इसका सही में अर्थ क्या है? कंपनी लाभ के लिए, लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है, एक ऐच्छिक संस्था मतलब कंपनी का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि उसमें लाभ हो, और वह व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है, मैंने बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाई गई एक संस्था जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभाजित होती है, जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य लाभों में विभाजित होती है, मतलब कि यह व्यक्तियों के द्वारा लाभ के लिए बनाई गई एक ऐसी संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य लाभों में विभाजित होती है। और क्या होता है? तथा अंशों का स्वामित्व ही सदस्य की शर्त होती है, तथा अंशों का स्वामित्व ही सदस्यों की शर्त होती है, सदस्यों की शर्त होती है। ठीक है, मतलब कि जो जितना अंशधारी अपना शेयर लगाया होगा, जो सदस्य उसका जितना शेयर लगाया होगा, वहीं तक उसके पावर रहते हैं। मतलब सीधे के लिए है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक ऐच्छिक संस्था है, जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इसे बनाया गया है, जिसकी पूंजी विभिन्न अंशों या विभिन्न भागों में विभाजित होती है। ठीक ना, इसकी एक सार मुद्रा होती है, मोहर होती है। ठीक ना, इसके अभिच्छिन्न उत्तराधिकार होते हैं, सदस्यों का इसका दायित्व सीमित होता है, तो ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है? कंपनी कहा जाता है। एक और चीज है कि इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी एक डेफिनेशन दिया गया है, कि वो है धारा 220 के अंतर्गत कि एक ऐसी कंपनी जिसका समामेलन और समापन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, उसे कंपनी कहा जाता है। ठीक है,
या ऐसे भी हो सकता है कि ऐसी कंपनी जिसका समामेलक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या इसके पहले के पूर्व किसी विधान के अंतर्गत या किसी कानून के अंतर्गत हुआ तो उसे कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग अपना विचार व्यक्त किया है कि कंपनी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि प्रोफेसर एच एल हैने हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है, किम्बाल एंड किम्बाल हैं, डब्ल्यू आर स्प्रिगल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो कंपनी का अपना अलग अलग डेफिनेशन दिए गए। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, यह विभिन्न व्यक्तियों के सदस्यों का एक समूह है जिसकी पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है, इसकी एक सार मुद्रा होती है, इसके सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है। ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है, जो किसी विधान या कानून के द्वारा निर्मित होती है, बनाई जाती है, चलती है, उसका समापन भी उसी कानून के अंतर्गत होता है, यही हमारी कंपनी है। प्रश्न उठता है कि कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी की विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। कंपनी की पहली विशेषता है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, क्योंकि देखिएगा जितनी विशेषता होती है वो सब उसका अर्थ ही का पार्ट होता है, जो उसका डेफिनेशन, ऐसे समझिए कि डेफिनेशन अच्छे से याद है तो उसको करैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करैक्टर अच्छे से याद है तो उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी हमारे आप जैसा एक रियल पर्सन नहीं है, लेकिन हमारे ही आप जैसा वो वर्क भी करती है। इसका निर्माण किसी कानून, किसी विधान, किसी लॉ के द्वारा होता है, चाहे वो कोई भी कानून हो, जैसे कंपनी अधिनियम 2013, 56, 36 जो भी हो, मतलब किसके द्वारा होता है, किसी कानून के अंतर्गत होता है तो उसे कंपनी कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति मतलब हम आप जैसे नहीं है, हम लोग तो रियल पर्सन है, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब उसके हमारे आपके द्वारा वो बनाया गया, उसका नाम दिया गया। दूसरा क्या है, पृथक अस्तित्व। दूसरी इसकी विशेषता होती है पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या होता है, पृथक अस्तित्व का मतलब होता है कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं, कंपनी के जो सदस्य होते हैं वो कंपनी से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि जो सदस्य हैं वही कंपनी है, जो कंपनी है वो सदस्य है, ऐसा नहीं होता, अर्थात वो बिल्कुल कंपनी से अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे साझेदारी व्यवसाय में एक साझेदार होते हैं, वैसे समझिए कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस तरह कंपनी, क्योंकि कंपनी के असली मालिक तो वही होते हैं, सदस्य ही होते हैं, लेकिन उसको चलाने वाले जो होते हैं वो संचालक होते हैं। अगला पारा अस्थाई अस्तित्व, तीसरा है अस्थाई अस्तित्व। अस्थाई अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो बनती है उसका अस्तित्व बिल्कुल अस्थाई होता है, इसके अविच्छिन्न उत्तराधिकार होते हैं, अस्थाई अस्तित्व और अविच्छिन्न उत्तराधिकार, क्योंकि कंपनी का जो समामेलन होता है वो किसी कानून के अंतर्गत होता है, और जो कानून के अंतर्गत होता है उससे उम्मीद ये किया जाता है काफी लंबे समय तक, काफी ड्यूरेशन तक ये चलेगा, वो अलग चीज है कि ना चले, लेकिन मतलब एक लंबे समय तक उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह मान लीजिए हम आप हैं, उम्मीद की जा रही है कि भाई हम लोग इतने साल तक रहेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितने समय तक रहेगा। उसी तरह कंपनी है, कानून के द्वारा बनाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग पीरियड तक ये चलेगा, इसका स्थायी अस्तित्व रहेगा, लेकिन अब उसके ऊपर चलता है रहता है कि भाई कंपनी कब तक चलेगी। अगला है इसकी एक सार्व मुद्रा होती है। चौथी विशेषता क्या है, सार्व मुद्रा क्या होता है, इसकी एक अलग पहचान होती है, ठीक उसी तरह पहचान होती है जिस तरह हम आप हैं। देखते होंगे दुनिया में किसी का फेस किसी से मैच नहीं करता है, या केस में कहीं मैच कर गया तो करेगा, उसी तरह कंपनी भी है, उसका एक ब्रांड, एक अपना लोगो होता है,
जिसको देखकर ही दूर से ही पहचान लेता है कि ये तो फला कंपनी है, एक जैसी दूसरी कंपनी नहीं होती है। हाँ, सेम वर्क वाली कंपनी भले हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी पहचान, उसके तौर तरीके सब कुछ अलग होंगे। अगला है कार्यक्षेत्र की सीमाएं। कार्यक्षेत्र की सीमाएं, कार्यक्षेत्र की सीमाएं का मतलब है कि कंपनी का जो कार्यक्षेत्र होता है काफी बड़ा होता है और विभिन्न सीमाओं में पधे रहते हैं। सबको कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो कानून या विधान से बाहर होकर नहीं करता, माने कानून के दायरे में रहकर करता है। तो इसका जो कार्यक्षेत्र है कानून के दायरे में बंधा हुआ है। अगला है प्रतिनिधि प्रमंत्र। प्रतिनिधि प्रबंध, प्रतिनिधि प्रबंध का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के तो असली मालिक होते ही हैं, लेकिन उनके जो एजेंट प्रतिनिधि होते हैं वो प्रबंधक होते हैं जो कंपनी को रन कराते हैं, चलाते हैं। अगला है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, ऐच्छिक संघ जो ये कंपनी होती है वो लाभ के उद्देश्य से बनाई जाती है, लेकिन लाभ उसका कंपलसरी नहीं है। पहला सेवा करना, फिर लाभ कमाना। अगला है अभियोग लाने का अधिकार। अभियोग लाने का अधिकार, अभियोग लाने का अधिकार का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर भी मुकदमा चला सकता है और कंपनी भी किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकती है या किसी अन्य कंपनी पर चला सकती है। क्यों चला सकती है? कि भाई वो कानून के द्वारा पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उसका नाम गवर्नमेंट के यहाँ दर्ज है, भाई उसको तो पूरा पावर है कि यदि कुछ अनियमितता हो रही है तो दूसरे के ऊपर मुकदमा चला सकता है। अब कोई भी व्यक्ति यदि वो अनियमितता करता है तो उसके कंपनी के ऊपर मुकदमा चला सकता है। अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण का मतलब होता है कि कंपनी में के जो भी शेयर होते हैं उसे अंशधारी अपने स्वेच्छापूर्वक हस्तांतरित कर सकते हैं, कंपनी को दे सकते हैं, कंपनी से अपना ले सकते हैं, ऐसा ये स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। दायित्व का मतलब होता है कि इसके सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, इसलिए सीमित होता है कि जितना जो पूंजी लगाया है, जितना शेयर लगाया है उतने ही तक उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11th नंबर, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या का मतलब होता है कि कंपनी में सदस्यों की संख्या का एक लिमिटेशन किया गया है कि यदि वो प्राइवेट कंपनी है, ध्यान दीजिएगा पीवीटी लिमिटेड है, तो वहां पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, लेकिन वहीं पे एक पब्लिक कंपनी है तो वहां पे मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया, 56 में ऐसा नहीं था, 56 में तो 2 और 50 थे, इसमें 7 और अनलिमिटेड है तो वैसे ही है। अगला, सदस्यों की जब संख्या हो गई, अगला है कंपनी का सामाजिक चरित्र। कंपनी का सामाजिक चरित्र, कंपनी का अपना एक सामाजिक चरित्र भी होता है, सामाजिक करैक्टर होता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वह सरकार और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो यदि कोई किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि करती है तो उस कानून के अंतर्गत उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला है विधान द्वारा स्थापना एवं समापन। विधान द्वारा स्थापना व समापन, विधान द्वारा स्थापना व समापन का मतलब होता है कि कंपनी का जो भी निर्माण किया जाता है एक कानून के अंतर्गत किया जाता है और समापन भी करना होगा तो उसी कानून के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए तब दुकान खोले, जब मर्जी आए तब बंद कर दी, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे जिसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो उसको स्टार्ट करने के दौरान या उसका समापन करने के दौरान। ठीक है,
तो इस तरह यह होता है आपका कंपन। मिटाए इसको। अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं, कंपनी का वर्गीकरण। इसी में है अभी, ये दूसरा ही चल रहा है अभी, कंपनी का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब प्रकार, कितने भागों में इसे कितने पार्टों में बांट दिया। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के प्रकारों को कई भागों में बांटा गया। अब मैं इधर से लिखते हुए आ रहा हूं ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके, क्योंकि तो इधर से हटते आएंगे तो स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखता रहेगा। अब यह है कि भारत में कंपनियों का वर्गीकरण, क्योंकि एक दो टाइप के, जैसे मैंने एक प्राइवेट और पब्लिक बता दिया, केवल उतने ही टाइप का कंपनी नहीं होती, भारत में बहुत टाइप की कंपनियां होती हैं, बहुत ऐसे भी टाइप की कंपनियां हैं जो भारत में नहीं भी है। तो हम पहले ये जानेंगे कि कंपनी को कितने पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले है समामेलन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, समामेलन के आधार पर। समामेलन के आधार पर कंपनी कितने टाइप की होती है? समामेलन के आधार पर कंपनी को दो पार्ट में बांटा गया, समामेलित कंपनी और असमामेलित कंपनी। सबसे फर्स्ट इसमें है समामेलित कंपनी और दूसरा है असमामेलित कंपनी। ये दो टाइप में बांटा गया। समामेलित कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन किसी कानून के अंतर्गत किया गया हो तो उसे समामेलित कंपनी कहा जाता है, रजिस्टर्ड कंपनी। इसमें समामेलित कंपनी में ये कंपनियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला है राजाज्ञा पत्र द्वारा, पहला है राज आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनी। स्थापित कंपनी, राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जो किसी देश के शासक या राजा के द्वारा या उसके आदेश या उसके फरमान के द्वारा स्थापित की गई होती है तो उसे राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी कहा जाता है। जैसे कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, वो महारानी विक्टोरिया के आदेश पर ऐसा कंपनी बनाया गया था। तो किस तरह की कंपनी थी? राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी थी। रह गई बात इस समय प्रेजेंट में भारत में, तो भारत में इस टाइप की कोई भी कंपनी नहीं है राज आज्ञा द्वारा स्थापित, क्योंकि भारत में राजा का शासन नहीं चलता, यह प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लोगों का बहुमत होता है, तो इस तरह की कंपनी भारत में नहीं है। बी है इसका। दूसरा है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी, स्थापित कंपनी। ठीक है, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी क्या होती है? संसद मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें। ऐसी कंपनी जब संसद के बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके जिस कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसे संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी कहा जाता है। इसको मिटा दे, थोड़ा सा स्पेस और नहीं। जैसे मान लीजिए आपका SBI है, RBI है, LIC है, BSNL है, ONGC है, ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित है।
राज आज्ञा में तो आपको बता ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एग्जांपल है। सी समामेलित कंपनियों, कंपनी अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी, कंपनी एक्ट के अंतर्गत समामेलित कंपनी। कंपनी एक्ट के अंतर्गत समामेलित कंपनी क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या पीछे चल जाइए 1956 1936 या जो भी पीछे, ऐसे कानून के अंतर्गत, कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित की जाती है तो उसे कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्थापित कंपनी या समामेलित कंपनी कहा जाता है। भारत में इस तरह की कंपनियों की भरमार है क्योंकि जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो सब कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसका दूसरा है असमामेलित कंपनी, असमामेलित कंपनी, असमामेलित कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण न हुआ, किसी भी कानून के अंतर्गत न हुआ, ऐसे ही कंपनी स्थापित हो गई थी, इसे असमामेलित कंपनी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में इस तरह की कंपनियां थी, कब 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में इस तरह की कंपनियां थी लेकिन चल नहीं सकी। इसे इस तरह की कंपनियां यदि कोई स्थापित है तो उसे हम गैर कानूनी मानते हैं, मतलब वो कानून के अंतर्गत स्थापित नहीं। तो ये तो था समामेलन के आधार पर। समामेलन के आधार के बाद से आता है दायित्व के आधार, इसका सेकंड पार्ट है बी दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? दायित्व के आधार पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी वाली कंपनी, और दूसरा है असीमित दायित्व वाली, असीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तो उसे सीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता है, अर्थात जितनी वो अंश पूंजी अपना लगाए होंगे उतना ही तक सीमित होगा। सीमित दायित्व वाली कंपनियां दो प्रकार की होती है, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित। ये भी दो टाइप की होती हैं, अंशों द्वारा सीमित, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और बी है इसका गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसके नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखा हुआ है, मैंने नाम के बाद, ठीक है, और लगाना अनिवार्य होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं और इसके सदस्यों का जो दायित्व होता है जितना शेयर खरीदे होंगे उस शेयरों तक ही सीमित होता है, उसके आगे के बारे में वो अपना बात नहीं रख सकते, ठीक है, माने अंशधारियों का दायित्व उसके अंशों की सीमा तक ही सीमित होता। और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है कि ऐसी कंपनी जिसको इस बात की गारंटी दी जाती है कि भाई आपकी लायबिलिटी जितने ही तक है, या कंपनी का यदि समापन हो रहा है तो उस समय आपकी लायबिलिटी कहां तक होगी, किस सीमा तक होगी, इस बात की इसमें गारंटी दी जाती है, ठीक है। इस तरह की कंपनियां देखे होंगे कि कला विज्ञान खेलकूद या पूर्णांक संस्थाओं में ज्यादा वर्क करती है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। अब प्रश्न है कि असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या है? जो असीमित दायित्व वाली कंपनी है कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो उसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता है। अब असीमित दायित्व वाली कंपनी में वास्तव में कोई कंपनी नहीं,
क्योंकि सारे कंपनियों के दायित्व सदस्यों का दायित्व सीमित होगा। असीमित दायित्व वाले में साझेदार या एकाकी व्यापारी आ जाएंगे, जबकि वो वास्तव में वो कंपनी है नहीं, ठीक है, क्योंकि एकाकी व्यापार और साझेदारी में ही सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, अन्य जगह पे नहीं होता है, इसलिए इस तरह की कंपनी नहीं के बराबर है। तीसरा इसमें सी है आपसा आपका ऑप्शन सी दिया गया है सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं? इसमें सदस्यों की संख्या के आधार पर जो कंपनी है हमारी वो दो तरीके की होती है। एक होता है निजी कंपनी और दूसरा होता है सार्वजनिक कंपनी। अब जानना जरूरी है कि निजी कंपनी क्या होता है और सार्वजनिक कंपनी क्या होता है। थोड़ा सा इसको और नीचे लिख दे रहे हैं, जगह ये है सार्वजनिक कंपनी, समझिए। निजी कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी, आलोक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन विधान या कानून के अंतर्गत तो होता है, परंतु इसके जो सदस्य होते हैं इनकी सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम 200 होती है। दूसरा कि अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती है और अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती है। ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? निजी या प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। इस तरह की कंपनियां बहुत भरमार है। जो कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें निजी कंपनी में ही एक नाम दिया गया, एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। ये क्या होता है? एक व्यक्ति वाली कंपनी का मतलब होता है कि एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम दो चाहिए, एक व्यक्ति भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है और वही सर्वे सर्वा मालिक हो सकता है, वही उसको चला सकता है। लेकिन ऐसी कंपनी का निर्माण करते समय उसके पास सीमा नियम में इस बात का उल्लेख करना होगा कि किसी भी प्रकार की लायबिलिटी, यदि ये कुछ दिवालिया हो जाए, मृत हो जाए या कोई भी इनकेस कोई घटना घटित हो जाए, तो उस समय इसका दायित्व तो किसके ऊपर रहेगा उसका नाम अंकित करना रहता है, या इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसलिए उसका नाम अंकित करना जरूरी होता, जबकि पहले 1956 वाले में ऐसा नहीं था। सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है कि जो इसके सदस्यों की संख्या होती है वो कम से कम होती है 7 और अधिकतम होती है असीमित। मतलब एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं, अधिकतम कितना भी रख सकती है। अगला कि अपने नाम के साथ ये लिमिटेड शब्द का केवल प्रयोग करती है, प्राइवेट हट जाता है, और जो इसकी अंशों का हस्तांतरण या क्रय विक्रय, अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारी निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के बाद से एक कंपनी होती है स्वामित्व के आधार पर, ये हमारा है डी, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है भाई? स्वामित्व के आधार पर हमारी जो कंपनी होती है दो टाइप की होती है, एक सरकारी कंपनी और एक गैर सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी और दूसरा होता है गैर सरकारी।
सरकारी कंपनी किसको कहा जाता है? कि ऐसी कंपनी जिसकी अंश पूंजी पर 51% या उससे प्लस अधिकार किसके पास रहता है? केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार के पास होता है, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयरों पर, उसके चुकता मूल्य पर, उसकी अंश पूंजी पर 51% शेयर, 51% अधिकार केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार के पास होता है या किसी भी गवर्नमेंट के पास होता है, तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। गैर सरकारी कंपनी का मतलब क्या है? गैर सरकारी कंपनी की जो सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो लोगों की निजी पूंजी के द्वारा कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करके स्थापित की गई है, तो उसे गैर सरकारी कंपनी कहा जाता है। पांचवा इसमें है अगला, डी के बाद हमारा आता है ई। ई में दिया गया है इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, इकाई की स्वतंत्रता के आधार, इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी कितने टाइप की होती है? इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी दो टाइप की होती है, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। पहला है सूत्रधारी कंपनी, इसको अंग्रेजी में होल्डिंग कंपनी भी कहा जाता है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की 50% से अधिक शेयरों पर स्वामित्व रखती है, ठीक ना, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। कितना? 50% से अधिक, 50% नहीं, 50% से अधिक अंशों पर स्वामित्व रखती है। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के कम से कम 50% से अधिक अंशों पर स्वामित्व रखती है, इसे सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। मतलब ऐसा भी तो होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले ली या उसमें भी एंट्री मार दी, तो यदि उस दूसरी कंपनी के, चाहे वो कोई भी कंपनी, दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर ले ली, तो होल्डिंग कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहा जाती। और दूसरा है हमारा सहायक कंपनी। ये क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसकी खुद की अंश पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा कोई और ले गया, खरीद लिया, तो वह कंपनी क्या कहलाएगी? सहायक कंपनी। मतलब कि इसके 50% से अधिक अंश कोई अन्य कंपनी क्रय कर लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। तो इस तरह ये तो था आपका कंपनी का वर्गीकरण। ठीक है, एक छोटा सा संक्षिप्त आपको ये सब जानकारी दिया जा रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे चीज डिटेल पे है, लेकिन आप एक कोई सिस्टम, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी नोट कर लीजिए ताकि मैं मिटा दूं। नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। जितने ये कंपनियों के प्रकार आपको बताए, इन कंपनियों के प्रकार के अतिरिक्त, ठीक है, दो और भी कंपनियां होती हैं,
एक होता है विदेशी कंपनी, नाम सुने होंगे। विदेशी कंपनी क्या होती है? सिंपल सा अर्थ है कि ऐसी कंपनी जो भारत द्वारा नहीं, किसी बाहरी देश के द्वारा या दूसरे देश के कानून के द्वारा क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो ऐसी कंपनी को विदेशी कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनियां की कोई जरूरी नहीं है कि वो किस देश में अपना कारोबार कर रही है। हाँ, ये जरूरी जरूर है कि जो कंपनी किसी दूसरे देश के मतलब कानून के अंतर्गत या कंपनी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी एक और विशेषता होती है कि उसका जो कार्यालय, मुख्य कार्यालय, जो हेड ऑफिस होता है, वो उसी के कंट्री में होता है या उसके यहाँ जो भी सुविधाजनक स्थान हो वहाँ पे होता है। ऐसी कंपनियाँ भारत या किसी भी देश में अपना कारोबार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती हैं, लेकिन वो अपने देश की कंपनी नहीं होती। अब यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक करने का मतलब यह, यहाँ की सरकार से बिना अनुमति के नहीं कर सकती है, अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगला है, एक कंपनी और होती है निष्क्रिय कंपनी, नाम सुने होंगे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बता देना। अगला कंपनी क्या होती है, निष्क्रिय कंपनी। ये क्या होती है निष्क्रिय कंपनी, नाम ही इसका है निष्क्रिय, मतलब काम नहीं करती है। ऐसी कंपनी जो कम से कम अपने 2 वर्ष तक कारोबार नहीं करती है, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करती है, अपने हिसाब किताब को मेंटेन नहीं रखती है, तो ऐसी कंपनी को निष्क्रिय कंपनी कहा जाता है। रजिस्टर्ड तो है, सब कुछ है, मगर वर्क नहीं कर रही है, और भी कम से कम 2 सालों तक, ये अधिक भी हो सकती है, तो ऐसी कंपनी को निष्क्रिय कंपनी कहा जाता है। चलिए, इन सब को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चलते हैं मेन अपने पॉइंट पे। सबसे पहले भी कंपनियों के जो प्रकार बताए हैं उसमें सबसे टॉप पे जो कंपनी चल रही है वो है प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो सबसे पहले जानेंगे कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है। हम इस अंतर के लिए 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, एक ओर हम कर दे रहे हैं निजी कंपनी और दूसरी ओर हम कर दे रहे हैं सार्वजनिक कंपनी। एक चीज और आपको बता दें कि जो ये कंपनी लागत लेक्चर जो चल रहा है, वैसे ये तो बीकॉम में पढ़ाया जाता है, सीएस में भी पढ़ाया जाता है, इसके अतिरिक्त लॉ की भी जो पढ़ाई होती है उसमें भी कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है। तो इस सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी जिस क्लास में पढ़ रहे हो और जिनके यहाँ कंपनी लॉ पढ़ाया गया था, ठीक है ना, सबके लिए उपयोगी है, वही कंपनी लॉ है, बस किसी में थोड़ा सिलेबस कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में सबसे मेन अंतर क्या? सबसे पहले कि निजी कंपनी में इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है, सदस्यों की जो संख्या होती है वो न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 तक होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में जो सदस्यों की संख्या होती है, सदस्यों की संख्या होती है वो कम से कम 7 और अधिकतम असीमित होती है। कितना होता है? असीमित होता है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा क्या है? दूसरा अंतर है कि यह अपने अंशों को जनता में खुला आमंत्रण नहीं देती है, इसमें क्या है, यह अपने अंशों को जनता में खुला आमंत्रण देती है।
ठीक है। तीसरा अंतर, तीसरा अंतर है कि यह अपने अंशों का, हाँ सबसे मेन पॉइंट कि अपने नाम के बाद, नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, का प्रयोग करती है। इसमें क्या है, यह अपने नाम के बाद किस चीज का प्रयोग करती है, केवल लिमिटेड या कहीं कहीं कॉरपोरेशन भी होता है इसका भी यूज करती है। चौथा अंतर क्या है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्ट्रेशन होने के तत्काल बाद अपना कारोबार शुरू कर देती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद कारोबार शुरू नहीं करती, उसके बाद उसे व्यवसाय स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह समामेलन के तुरंत बाद, तुरंत बाद व्यवसाय आरंभ कर देती है, कर देती है। इसमें क्या होता है, यह व्यवसाय समामेलन के बाद, लन के बाद व्यवसाय आरंभ नहीं करती, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का, प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। अगला क्या है, इसमें होता है कम से कम, कम से कम दो संचालक होना चाहिए, संचालक होना चाहिए। इसके लिए क्या है, इसमें कम से कम तीन संचालक होना चाहिए, होना चाहिए, इतने डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। अगला क्या है, एक सबसे बड़ा चीज है कि जो पार्षद सीमा नियम है, कहते सॉरी निजी कंपनी है, इसके लिए, इसके लिए पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य है, सॉरी सीमा नियम नहीं, अंतर नियम, अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। अब ये सोच रहे होंगे कि सीमा नियम बनाना अनिवार्य नहीं है, तो सीमा नियम भी बनाना अनिवार्य है, इसके लिए पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम दोनों बनाना अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए एक विकल्प है, यह अपने अंतर नियम के स्थान पर, अपने अंतर नियम के स्थान पर टेबल एफ का प्रयोग कर सकती है, प्रयोग कर सकती, ठीक है। अब जैसे कंपनी की सभा होती है, चाहे निजी कंपनी में हो चाहे सार्वजनिक कंपनी में, कंपनी की तो सभा होती है, तो जब कंपनी की सभा होती है तो उसमें एक कोरम होता है, पूरा करना पड़ता है कि भाई इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतने सदस्य होने चाहिए। तो इसके लिए है कंपनी की सभा में, कंपनी की सभा में कम से कम, कम से कम दो सदस्यों, दो सदस्यों का कोरम होना जरूरी है, कोरम होना आवश्यक है। सदस्य जब मीटिंग होगा तो कम से कम दो मेंबर होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि सभा में कम से कम पांच सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है,
ठीक है। अब अगला एक चीज और ये उठता है कि जो निजी कंपनी है इन फ्यूचर में यदि लोन ले रही है, कर्जा ले रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। यदि निजी कंपनी ऋण ले रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसमें है ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसमें क्या है, ऋण के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक, ठीक है। और भी बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है, जैसे प्रबंधकीय पारिश्रमिक में यह होता है कि निजी कंपनी में कम से कम 11% उसका मैनेजर्स रेमुनरेशन होता है, इसके में कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं किया गया है। और भी बहुत सारे अंतर हैं, उसे देख लीजिएगा। फिलहाल मुख्य अंतर आपके ये थे, इसको मिटाया। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला हम स्टार्ट करते हैं कंपनी का निर्माण, ध्यान दीजिएगा। थर्ड इसका पार्ट है कंपनी का निर्माण, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का निर्माण। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी के निर्माण में जब किया जाता है तो कंपनी का निर्माण करने की तीन प्रक्रियाएं हैं, उन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो तीन प्रक्रियाएं जब कंपनी के निर्माण में, वो कौन कौन सी हैं। पहला होता है प्रवर्तन, जिसको प्रमोशन भी कहा जाता है। मैंने जब भी किसी कंपनी का निर्माण किया जाता है तो निर्माण करते समय उसका तीन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला है प्रवर्तन, दूसरा है पंजीयन माने रजिस्ट्रेशन, और तीसरा हमारा है व्यापार का प्रारंभ, बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। इन तीन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी का प्रवर्तन। इसमें से सबसे पहला पार्ट स्टेप है प्रवर्तन। प्रवर्तन कौन करता है, यह प्रवर्तक करता है। प्रवर्तक कौन होता है, प्रमोटर होता है। ठीक है, प्रमोटर कौन होता है, एक व्यक्ति होता है। और ये इसका काम क्या होता है, कंपनी का निर्माण करना। एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का निर्माण करता है, तो समझिए कि ये बाहरी आदमी होता है, दूसरा आदमी होता है जो कंपनी का निर्माण करता है। उसके जिम्मे यह दे दिया जाता है कि भाई ये कंपनी है, इसको स्टार्ट करना है, कंपनी आपको चलाना है, जब चल जाएगा तो हमें दे दीजिएगा, जब हमको आप दे देंगे हम अपने हिसाब से उसको चलाएंगे। अब उसमें पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर करता है। उसको चलाता कौन है, तो संचालक चलाता है, डायरेक्टर चलता है, ठीक है। तो जो कंपनी का नींव रखता है, अब सुनते भी रहिएगा, मैं इंग भी डाल रहा हूं, जो कंपनी की नींव रखता है, स्टार्टिंग करता है, उसका जो बेस तैयार करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है।
ठीक है। प्रवर्तक कौन होता है? कंपनी का निर्माण करता, निर्माण करता, जो कंपनी का निर्माण करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, कंपनी को बनाता है, उसे प्रमोटर्स कहा जाता है, उसे चलाता है, उसे प्रमोटर कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि इस प्रमोटर के क्या कार्य हैं, क्योंकि जो प्रवर्तक परिवर्तन है ये प्रथम स्टेप है, जो हमारे कंपनी के निर्माण में जो पहला कदम है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो हमारा परिवर्तन ही है। अपरिवर्तन का कार्य प्रवर्तक करता है, अपरिवर्तक क्या करता है, वो कंपनी का निर्माण करता है। अब प्रवर्तक जब कंपनी का निर्माण करता है तो उस समय प्रवर्तक के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कैसे उसका निर्माण करता है। सोचिए कि मैंने एक कंपनी बनाने के लिए आपको दे दिया और आपसे कहा कि भाई एक साल में हमें कंपनी एक बनाकर कंपनी को रन करा के हमें दे दीजिए, ऐसा नहीं कि फ्री में करेंगे भाई, उसके जो इसे डील हुई होगी वो उसका मैटर है। तो कंपनी का निर्माण करके आपको देगा, तो जब कंपनी का आप निर्माण करने जाएंगे, मैंने आपसे कह दिया ताकि कौन कौन से उसमें कार्य होंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रवर्तक का कार्य होता है कि कंपनी निर्माण की कल्पना करना, कल्पना करना पहला कार्य है, कल्पना करेगा। जब मैंने जिम्मेदारी आपको सौंप दी तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, दिमाग में ही उसका एक डायग्राम रूपरेखा तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि कंपनी हमारी ऐसी होनी चाहिए। दूसरा है कंपनी का नाम, कंपनी का नाम निश्चित करेंगे। कंपनी का नाम जब कंपनी आपके दिमाग में बन जाएगी, हाँ ऐसी कंपनी होनी चाहिए, तब उसका कुछ नामकरण भी करेंगे कि भाई वो किस नाम से जानी जाएगी, ऐसा नाम पॉपुलर नाम रखेंगे कि जो समझिए कि एकदम यूनिक होगा लेकिन कानून के दायरे में होगा। उसके बाद विद्यमान व्यवसाय करने का क्रय करने का अनुबंध करेंगे, विद्यमान व्यवसाय क्या है, क्रय करने की दशा में अनुबंध, क्रय करने की दशा में अनुबंध। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम नई सिरे से कंपनी लोग नहीं बनाते हैं, पहले से यदि कोई कंपनी चल रही होगी और मान लीजिए वो स्थिति खराब हो गई होगी, तो ऐसे भी लोग करते हैं कि उस कंपनी को खरीद लेते हैं। यदि पहले से विद्यमान कोई कंपनी है, माइंड में हो गया है क्या जरूरत है बनाने का, वो तो है बेच ही रहा है, चले हम ले लें, तो उसको क्रय करने का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध करते हैं। फिर क्या करते हैं, और भी जो आवश्यक अनुबंध होगा वो भी किया जाएगा। इसके बाद से संचालकों की खोज करेंगे, खोज व चुनाव करेंगे। अब संचालकों की खोज क्यों करेंगे भाई, प्रवर्तक कोई और होगा, चलाएगा कोई और ना, जो डायरेक्टर होते हैं वही कंपनी को चलाते हैं, तो योग डायरेक्टरों की वो चुनाव करेगा, खोजेगा और उनमें से वो चुनेगा कि भाई ये कंपनी को हमारे चला सकते हैं, सारी लाइबिलिटी एक आदमी के ऊपर छोड़ देगा तो कैसे करेगा। उसके बाद जो प्रवर्तक होते हैं वो बैंकों को निश्चित करते हैं, बैंकों को निश्चित करना, निश्चित करना। जैसे अक्सर देखे होंगे कि जब कंपनी बन जाती है तो उसका अकाउंट बहुत सारे बैंक में होते हैं जहां से वो ट्रांजेक्शन लेन देन अपना करता है, तो एक बैंक भी निश्चित करेगा कि भाई मेरी जो मनी है उसी में रहेगी, उसमें से हम निकालेंगे, देंगे, लेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन करना उसी बैंक के थ्रू करेंगे। ऐसे बैंक की खोज करता है वो जिसकी सर्विस अच्छी हो, उसको ज़्यादा फैसिलिटी देती हो, आवश्यकता पड़ने पर उसे लोन की भी फैसिलिटी दे दी, इस तरह की मतलब बैंकों का वह चुनाव करेगा। अगला है
कंपनी के प्रारंभ के पूर्व समस्या, कंपनी के प्रारंभ से पूर्व की समस्या। कंपनी के प्रारंभ की कुछ समस्याएं यदि होती हैं, जैसे कि कच्चे माल की समस्या और श्रम की समस्या, मनी की भी हो सकती है समस्या, या वहाँ का इन्वायरमेंट की भी समस्या हो सकती है, कुछ भी समस्या होती है, उस समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेगा कि भाई कंपनी स्टार्ट कर रही है तो यहाँ पे पानी की निकासी कैसे होगा, कच्चा माल कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं है, रोड अच्छे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देख कर वहाँ का इन्वायरमेंट देख कर ही करेगा। अगला है प्रारंभिक व्ययों का भुगतान। प्रारंभिक व्ययों का भुगतान, अब जब कंपनी वो स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में कुछ खर्चे भी होंगे जिसको प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। समय समय पर प्रवर्तक उन प्रारंभिक व्ययों का भी भुगतान करेगा जो कंपनी के निर्माण करते समय होने हैं। अगला है कार्यालय और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। कार्यालय व कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, जब सब कुछ वो तैयार कर लेगा तो अपना एक हेड ऑफिस भी बनाएगा, ऑफिस जहां से बैठ कर सारी डीलिंग किया जा सके, पूरे कंपनी पूरे बिजनेस पर कंट्रोल किया जा सके। उसके लिए कुछ इंप्लॉय भी उसको चाहिए, उसमें उन एम्प्लॉयों की नियुक्ति भी करेगा ताकि कंपनी को चलाना है तो एक जगह से बैठ कर उसको कंट्रोल करे, उसको डायरेक्शन दे, उसके सारे अकाउंट्स रजिस्टर्स मेंटेन करे, ठीक ना, किससे कैसे डीलिंग करनी है सारा ऑफिस से ही होता है। और क्या है, आवश्यक प्रलेख तैयार करना। आवश्यक प्रलेख तैयार करना, तैयार आवश्यक प्रलेख तैयार करने का मतलब है कि जब कंपनी हम बनाते हैं तब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको, बहुत सारे प्रलेख चाहिए, जैसे कि मान लीजिए पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ये कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, प्रविवरण भी चाहिए, प्रोस्पेक्टस, और भी बहुत सारी चीज़ें, संचालकों की लिस्ट, शेयर होल्डर की लिस्ट, ऑडिटर्स की डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये मुख्य प्रलेख नेसेसरी है। उसके बाद से है पंजीयन की व्यवस्था करना। पंजीयन की व्यवस्था करना, पंजीयन की व्यवस्था करना का मतलब है कि कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन बन जाएगी तब उसका रजिस्ट्रेशन भी तो करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रूल रेगुलेशंस क्या है, उसकी क्या फीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस सारी चीज़ें फॉर्म उसका फिलअप होगा, कितने डे के अंदर वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारी चीज़ों की जानकारी उसे करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि वो प्राइवेट कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन हो गया वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट, लेकिन एक पब्लिक कंपनी है तो ऐसी दशा में उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का, प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, तो उसे बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और लास्ट में विवरण पत्रिका भी तैयार कर सकता है। फिलहाल यही उसके कार्य, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा जो प्रवर्तक है, मिटाएं नोट कर लिए होंगे, जो हमारे प्रवर्तक होते हैं इनके कुछ कार्य भी होते हैं, इनकी कुछ दायित्व भी होते हैं। ये तो है कि प्रवर्तक कि कौन कौन से कर्तव्य है। सबसे पहले कर्तव्य, प्रवर्तक के कर्तव्य, प्रवर्तक के कौन कौन से कर्तव्य है। पहला है सारे तथ्य प्रकट करना, सारे तथ्य प्रकट कंपनी के निर्माण करते समय उसे जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, इस सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, प्रकट करना, उसको सामने लाना, ये प्रवर्तक का पहला कर्तव्य है। दूसरा है लाभ समर्पित करना,
लाभ समर्पित करना। कंपनी बनाने का मतलब ये नहीं कि केवल वो घाटे में जाए, उसे अपने स्वामी को, मालिक को, शेयर होल्डर को दिखाना भी पड़ेगा कि लाभ के लिए बनाई गई है, इससे कुछ लाभ अर्जित हो रहा है। अगला है गुप्त लाभ अर्जित न करना। गुप्त लाभ अर्जित न करना, प्रवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि लाभ जो हो रहा है तो उसमें कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना अपना कमाया अलग से अंदरूनी, तो गुप्त लाभ अर्जित नहीं करना चाहिए। अगला निजी हितों व लाभों को प्रकट करना। निजी हित व लाभों को प्रकट करना मतलब यदि उसमें कोई उसका व्यक्तिगत हित है या कुछ लाभ है तो उसको सामने लाना, यह नहीं कि गमन या चोरी या कपट के उद्देश्य से उसको छिपा लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है निजी संपत्ति बेचकर लाभ न कमाना। क्या है निजी संपत्ति बेचकर लाभ न कमाना? निजी संपत्ति बेचकर लाभ न कमाना, प्रवक्ता का यही कर्तव्य है कि अपनी कोई पर्सनल संपत्ति बेचकर यदि चाहे कि भाई इस कंपनी में प्रॉफिट कमाए तो ऐसा भी उसे नहीं करना चाहिए। अब कर्तव्य के साथ साथ कुछ दायित्व भी हैं इसके, वो भी जान जाइए। प्रवर्तक के दायित्व, प्रवर्तक के दायित्व क्या है? सबसे पहला दायित्व कि कंपनी के निर्माण के बाद गुप्त लाभ प्रकट करने तथा भुगतान करने का दायित्व। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रवर्तक कंपनी का निर्माण कर दिया और वहां से कुछ गुप्त लाभ कमा रहा तो उस गुप्त लाभ को उजागर करे मतलब सामने लाने का पहला दायित्व। कंपनी के निर्माण के बाद गुप्त लाभ को प्रकट करना। प्रकट करना मतलब जब कंपनी का निर्माण हो जा रहा है लेकिन उसके द्वारा कुछ गुप्त लाभ कमा लिया गया है तो उसको उजागर करे, सामने लाए। दूसरा प्रविवरण में कपट के लिए दायित्व, प्रविवरण में कपट के लिए दायित्व, कपट के लिए दायित्व मतलब प्रविवरण तैयार करते समय यदि उसने कुछ कपट किया है तो उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगला है बिना विवरण दिए संपत्ति क्रय करने से हुई हानि। बिना विवरण दिए संपत्ति क्रय करने पर हुई हानि मतलब यदि कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, किसी भी टाइप की जानकारी या नोटिस नहीं दिया और किसी संपत्ति को क्रय कर ले रहा है लेकिन उससे उसको हानि हो जा रही है, किसको? कंपनी को हानि हो जा रही है, तो उसके लिए तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दायित्व बनता है कि उस हानि को वो खुद पूरा करे क्योंकि बिना अनुमति बिना सूचना से इस तरह से किया गया, भले वो कंपनी के हित में किया है तो क्या। अगला है दिवालिया होने पर उत्तरदायित्व। दिवालिया होने पर उत्तरदायित्व, दिवालिया होने पर उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि यदि कंपनी का प्रवर्तक दिवालिया हो जाता है तो वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी निजी संपत्तियों को बेचकर उसकी भरपाई की जाए। ठीक है। अगला है प्रविवरण की वैधानिक औपचारिकता को पूरा न करने का दायित्व। प्रविवरण के वैधानिक औपचारिकता को
पूरा न करने का दायित्व। मतलब कि जब प्रवर्तक या प्रमोटर्स अपना जो प्रविधान तैयार करता है उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वैधानिक औपचारिकता होती है, उसको पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाता, पूरा ठीक ढंग से नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला है कपट व कर्तव्य भंग के लिए उत्तरदायी। कपट व कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, कपट व कर्तव्य भंग के लिए दायित्व का मतलब होता है कि यदि प्रवर्तक अपने कार्यों में जानबूझकर कपट करता है, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं करता है, जिससे उसको नुकसान होता है, कंपनी को नुकसान होता है, तो उसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला है प्रसंविदा पूरा न होने का दायित्व। प्रसंविदा पूरा न होने का दायित्व, प्रसंविदा पूरा मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट या समझौता करता है लेकिन वो समझौता एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी उसकी लाइबिलिटीज है। ऐसे ऐसे बहुत भी हैं लेकिन मुख्य दायित्व यही है। ठीक है, अब इसमें अगला जो टॉपिक है, कंपनी का निर्माण हो गया। कंपनी के निर्माण में केवल अभी एक चीज पढ़े हैं, प्रवर्तक। अब यहीं पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है समामेलन। यह है कंपनी का समामेलन, इसका जो सेकंड पार्ट था, कंपनी का समामेलन। कंपनी का समामेलन होता है कंपनी का पंजीकरण या इसी को रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जिसका उल्लेख कंपनी अधिनियम, किस कौन सा अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 7 में इसका डिटेल दिया गया कि कंपनी का पंजीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी कंपनी का पंजीकरण किया जाता है तो उस समय कुछ दस्तावेज होते हैं, जैसे आवेदन पत्र के साथ, मैंने एक फॉर्म के साथ निम्न चीज फाइल की जाती है, निम्न फाइल की जाती है, मैंने उसके साथ अटैच किए जाती है। क्या क्या रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म के साथ फिलअप करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले है प्रपत्र आदि फाइल करना, प्रपत्र फाइल करना, फाइल करना। प्रपत्र फाइल करने का मतलब ये होता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उस सब डॉक्यूमेंट को अटैच करना पड़ता है। उन डॉक्यूमेंटों में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियम। ठीक है, ये समझ जाएंगे ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। और क्या फाइल करना पड़ता है उसमें, अधिवक्ता मैंने एडवोकेट की घोषणा कि उसका एक एडवोकेट होगा, वो डिक्लेयर करेगा, घोषित करेगा। और अगला है अभिदाताओं द्वारा शपथ पत्र, अभिदाताओं द्वारा शपथ पत्र जो उसमें होंगे, उसमें उनका एक शपथ पत्र बयान वगैरह होना चाहिए। और क्या क्या होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और
प्रथम निदेशक निदेशकों का नाम होता है, डायरेक्टरों का निदेशकों का नाम होता है, कंपनी का हित, कंपनी का हित आदि बातों का विवरण रहता है। दूसरा इसमें है समामेलन प्रमाण पत्र जारी करना। समामेलन प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र जारी करना, जब फाइल किया जाता है समामेलन का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और क्या क्या जाता है, कंपनी की निर्गमित पहचान संख्या, कंपनी की निर्गमित पहचान संख्या। एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको एक कोड मिल जाता है, एक संख्या मिलता है जिसको पता चलता है कि इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और ये इनका कोड है। फिर प्रपत्रों आदि को सुरक्षित रखना, प्रपत्रों आदि को सुरक्षित रखना, मतलब जितनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। झूठ या गलत विवरण देने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है कि यदि इस डॉक्यूमेंट में, इस फॉर्म में कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है या विवरण दे रहा है तो उस पर दंड का भी प्रावधान है। झूठ व गलत विवरण देने पर, गलत विवरण देने पर दंड का प्रावधान, दंड का भी प्रावधान है। और क्या है, प्रविवरण द्वारा कार्रवाई, प्रविवरण द्वारा कार्रवाई, यह है कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया। अंत में यदि यहां पे थोड़ा रुझाइएगा, अंत में यदि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे अपना व्यवसाय क्या कर देती है, बिजनेस स्टार्ट कर देती है, बिजनेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि वह पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है तो यहां पे अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं होती, यहां पे उसे क्या करना पड़ता है, व्यवसाय प्रमाण प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अब चूंकि इतनी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पे उसे क्या हो जाएगा, समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही प्राप्त होगा वैसे ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी है ये अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा कंपनी है जो बिजनेस को स्टार्ट कर ले रही है भूल से भी, पब्लिक कंपनी, तो उस पर दिया गया है तो उस पर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहा तो जुर्माना आगे भी बढ़ाया जा सकता। और इसमें यह भी दिया गया है कि यह घोषणा, तो इसके लिए पहले समझ लीजिए, इसके लिए व्यवसाय प्रारंभ करने का, प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र आवश्यक, क्या है, आवश्यक है। अब व्यवसाय प्रमाण कर, व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इसमें दिया गया है कि वह रजिस्ट्रार के पास 180 डे के अंदर वो अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रपत्र देना पड़ेगा। यदि वो दे देता है तो बिजनेस प्रमाण पत्र, व्यवसाय स्टार्ट करने का उससे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है, मतलब यदि नहीं करता है तो उसके लिए कुछ और भी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ेगा। वैसे इसका नियम है 180 डे।
और जब उसे व्यवसाय रजिस्ट्रार के पास जब वो फाइल करेगा कि भाई हमको अनुमति मांगेगा कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है क्योंकि हमारी पब्लिक कंपनी है, तो जब रजिस्ट्रार व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र कौन देगा? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करता है, तब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, जब इसके पास ये व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जब के लिए आवेदन करेगा तो उसमें सारे डिटेल का उल्लेख भी उसमें करेगा और सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच करेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए। तो इस तरह आपका ये आज का जो लेक्चर चला है कंपनी का निर्माण, तीन टॉपिक आप पढ़ें। तीन टॉपिक में एक बार और बता दें, कंपनी का परिचय, कंपनी की स्थापना निर्माण या उसके भूमिका के बारे में पढ़े हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के भी पढ़े हैं, इसके पीछे वाला भी पढ़े हैं, कंपनी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, एक निजी प्राइवेट कंपनी में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें जानने हैं। इसके बाद से कंपनी का निर्माण पढ़े हैं आप, कंपनी के निर्माण में प्रवर्तन पढ़े हैं, कंपनी का समामेलन और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण। अब आपको बता दें कि आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि जो कंपनी लाभ पहले से चल रहा था काफ़ी आप लोग रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा भी था, लेकिन काफ़ी ओल्ड हो चुका था, मैंने सोचा कुछ लेटेस्ट नया रखे आप। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।